छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता का शराब के नशे में हंगामा। पूर्व गृह मंत्री का बेटा और जिला पंचायत सदस्य बीकर लुढ़का। बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर का कारनामा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर ने शुक्रवार रात कोरबा के नए बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता संदीप कंवर शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर ही लेट गए। उनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब उनके इस हरकत का वीडियो भी सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। संदीप कंवर बस स्टैंड के पास बीच सड़क में वाहन के सामने लेट गए। वे नशे में इतने धुत थे कि बार बार लड़खड़ा रहे थे। बस ड्राइवर को नीचे उतारने की बात कह रहे थे। बताया जा रहा है कि बस चालक ने किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया था। इस बात को लेकर वो बस ड्राइवर से उलझ गए। बार बार उसे नीचे उतारने की जिद करते रहे और बस के सामने सड़क पर लेटकर लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। वहां मौजूद लोग संदीप कंवर के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वे किसी तरह शांत हो जाएं, लेकिन वे किसी भी हालात में शांत होते नहीं दिख रहे थे। बाद में घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और CSEB पुलिस चौकी की पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंची और संदीप कंवर को मनाने में जुट गई, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार निकली। ये ड्रामा काफी समय तक चलता रहा, यहाँ तक कि शराब के नशे में धुत संदीप कंवर ने यह भी कहा कि मुझे मारो। लोगों ने इस दौरान हंगामा कर रहे संदीप कंवर का मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे संदीप कंवर को मनाकर उनके घर तक पहुंचाया। बता दें कि शराब के नशे में धुत संदीप कंवर कोरबा क्षेत्र क्रमांक संख्या 1 के जिला पंचायत सदस्य भी है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस तरह का आचरण एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। अब उनके ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहा है और वायरल हो रहा है। संदीप कंवर ने नशे में धुत होकर जिस तरह से यात्रियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की है, उसकी लोग भर भर कर निंदा कर रहे हैं। संदीप कंवर के पिता ननकी राम कंवर भी काफी चर्चा में रहे। कई बार उनका भी नाम विवादों में आ चुका है। 3 साल पहले ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा था कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसे छोटे पद के लिए दावेदारी तक नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बहुत साल पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया था। कौर ने बताया था कि वे 2003 में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ से कहा था कि मैं CM पद के लिए लड़ने को तैयार हूँ। ननकी राम ने यहाँ तक कहा था, अभी तक मैंने जो भी मंत्रालय संभाले हैं उनमें सबसे बेहतर काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।